तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और दूसरी है एक ऐट मीटर टॉल बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय सीडी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट फाइंड आउट करनी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी पॉइंट सी और पॉइंट ई e की हाइट सेम है एट मीटर्स अगर टोटल हाइट ए बी की है एच तो जो ए जो बचा हुआ जो हाइट है वो हो जाएगी टोटल एच माइनस एट तो ए की जो लेंथ है या हाइट है दैट इज एच माइनस एट फिर ये कहा गया है कि जो पॉइंट ए मतलब के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो टॉप है उससे एट मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है थर्टी डिग्री अब अगर हॉरिजॉन्टल ले हम यहां से दैट इज एफ इज द हॉरिजॉन्टल लाइन अब अगर हम उससे नीचे देख रहे हैं मतलब कि अगर डिप्रेशन लेना है तो हम ऐसे करके ऐसे हम नीचे को शिफ्ट करके लेकर आ रहे हैं एंगल इज़ हाउ मच थर्टी डिग्रीज और जो उस एट मीटर टॉल बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट है उस बॉटम पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फोर्टी फाइव डिग्रीज़ ये जो गिवन है यहाँ पे दूसरी बात है कि अब जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक फंडा ट्राइंगल एफ ए सी और ट्राइंगल ए सी ई e, ये दोनों ही हैं ऑल्टरनेट एंगल्स तो अगर एंगल ए मतलब कि एंगल एफ ए सी होगा थर्टी डिग्रीज सो सिमिलरली एंगल ए सी ई भी होगा थर्टी डिग्रीज एक और इसका फंडा है जो कि मैं जिस तरीके से बिना स्टडी दिस फंडा ये है कि मैं तो जेड देख लेती हूँ जहाँ पर ऐसे जेड बने तो ये उल्टा एक ऐसे जेड बन रहा है ना तो जेड के जो दो एंगल्स बन रहे हैं दोज आर ऑल्टरनेट एंगल्स विच आर द सेम सिमिलरली अब ये ए एफ है अब पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 फाइव डिग्री है तो ये यहाँ पे एक और जेड बन गया मतलब कि दो पैरल लाइन्स उनको कट करती हुई एक थर्ड लाइन तो जहाँ पर ये ऐसे एक जेड बन जाता है उनको मैं बोल देती हूँ कि एंगल यहाँ का डी भी फोर्टी फाइव डिग्रीज है और ये जो एंगल एफ ए डी है दैट इज़ ऑल्सो फोर्टी फाइव डिग्रीज़ अब दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए सी <coughs> इस ट्राइंगल में टैन ऑफ थर्टी डिग्रीज इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर है ए ई जिसकी हाइट है एच माइनस एट और ई सी की हाइट है ई uh, सी की जो लेंथ है दैट इज़ ग्राउंड लेवल पे बी डी के इक्वल और वही है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स जिसे हमने लेना है एक्स ये सारी चीज़ें इधर पे मैंशनड है तो यू कैन एक्चुअली स्टॉप एंड टेक अ स्क्रीन शॉट एंड नोट इट डाउन अब अगर हम ट्राइंगल ए सी ई की बात करें तो टैन थर्टी डिग्रीज हो जाएगा एच माइनस एट दैट इज ए ई अपॉन ई सी तो ए ई अपॉन ई सी अब ए ई है एच माइनस एट और ई सी की लेंथ है इक्वल टू एक्स अब टैन ऑफ थर्टी डिग्रीज होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री दैट इज इक्वल टू एच माइनस एट अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई तो जो एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रोड थ्री टाइम्स ऑफ एच माइनस एट इसे हमने ले लेना है इक्वेशन वन तो अब हमने इससे फाइंड आउट कर लिया एक्स की वैल्यू अब एक ट्राइंगल तो हमने ले लिया ये वाला अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे दूसरा दैट इज ट्राइंगल ए बी डी उसमें भी लेना है अब हमको एंगल लेना है फोर्टी फाइव डिग्रीज सो टैन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्रीज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टोटल ये ए बी डिवाइडेड by बेस is बी डी तो ये है यहाँ पर टैन और फोर्टी फाइव डिग्रीज़ है ए बी अपॉन बी डी जो भी हमने यहाँ से बताया था अब ए बी की जो लेंथ है दैट इज फुल लेंथ है एच और बी डी की लेंथ इज एक्स तो ये हो जाता है एच अपॉन एक्स तो टैन फोर्टी फाइव डिग्रीज इज इक्वल टू वन वन इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो एच विल be इक्वल इन टू एक्स अब इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में सिंपली सब्सिट्यूट कर देना है क्योंकि वी डोंट वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एक्स हमें पहले फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू <coughs> और या फिर इफ यू वॉन्ट तो आप एच की जगह पे भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यू totally आप क्या पहले करना चाहो अब इक्वेजन टू को जब हमने वन में करा तो इक्वेजन थी इक्वेजन वन थी एक्स इक्वल्स टू अंडरस एट तो एक्सल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ एच माइनस एट तो अब एक्स की जगह पे substitute कर दिया एच इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स एट ओपन द ब्रैकेट्स रूट थ्री एच माइनस एट रूट थ्री एच के दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे यहाँ प्लस साइन है इट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड वो बन जाता है माइनस दोनों में से एच को कॉमन निकालना है क्या बचेगा वन माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस अब एच टाइम्स ऑफ वन माइनस रूट थ्री टू माइनस एट रूट थ्री जो ये वन माइनस रूट थ्री है ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा और दोनों जो डिनोमिनेटर है उसमें से रूट थ्री माइनस वन ले लेंगे साइन चेंज करेंगे इसमें से कॉमन जब बाहर निकलेगा माइनस तो जो ऊपर का माइनस है और नीचे का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप है हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसे उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में हम प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में अगर हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो एट रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री प्लस एट रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाई अब यहाँ पर है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ये मैं डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो रूट थ्री का स्क्वायर है सिंगल नंबर थ्री वन का स्क्वायर है वन ऊपर रूट थ्री दो बार मल्टीप्लाई हो गया रूट थ्री का स्क्वायर है सिंगल नंबर थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट प्लस एट रूट थ्री दोनों टर्म्स में से एट को निकाल दीजिए कॉमन बचेगा थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन होता है टू अब कैंसिलेशन करेंगे टू वन जा टू टू फोर जा एट तो यहाँ पे आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ थ्री प्लस रूट थ्री ओपन द ब्रैकेट्स फोर थ्री ज़र ट्वेल्व प्लस फोर रूट थ्री मीटर्स तो जो एक्स है वो इक्वल हो जाएगा एच के तो ये बन जाएगा ट्वेल्व प्लस फोर रूट थ्री मीटर्स तो जो एक्स है वो है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स तो वो भी अभी हमने फाइंड आउट कराया ट्वेल्व प्लस फोर रूट थ्री और जो एच है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो भी है ट्वेल्व प्लस फोर रोड थ्री मीटर्स वैसे जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है या इस पर्टिकुलर लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें यू डो नॉट नीड टू सॉल्व इट फर्दर पर अगर कोई करना चाहे तो अंडर रोड थ्री की वैल्यू यू नो वेल तो उसे फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करिए फोर से जो आंसर आएगा उसको ट्वेल्व में प्लस करें वैसे अंडर रोड थ्री इज़ वन पॉइंट सेवन टू आई सपोज तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर से जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दीजिएगा ट्वेल्व में तो उसमें आपको एक्जैक्ट डिस्टेंसिन जो हाइट है बिल्डिंग का वो मिल जाएगा थैंक यू